नई खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है। बता दें कि जहां राष्ट्रीय अंडर 17 फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 5 जुलाई से होने जा रहा है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 28 प्रांतों के 700 खिलाड़ी शामिल होंगे, इनमें महिलाएं भी शामिल है। इसके तहत ही उत्तराखंड कुश्ती संघ के महासचिव शिववर्धन सिंह ने बताया कि 5, 6 और 7 जुलाई को लालपुर किच्छा में कुश्ती एसोसिएशन द्वारा अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगिता में भारतीय कुश्ती संघ के संबंध में देश के 28 प्रदेशों अपने अपने भार वर्ग के श्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं बता दें कि प्रतियोगिता में लगभग 700 खिलाड़ी शामिल होंगे, इनमें पुरुष के साथ ही महिलाएं खिलाड़ी भी शामिल होंगी। वहीं बता दें कि इसके अलावा लगभग 100 कोच एवं 50 ऑफिशियल मैच रेफरी इस आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। साथ ही यह चैंपियनशिप न केवल युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। अंडर 17 का पहले तो मैं हमारी भारतीय कुश्ती संघ ने जो हमें दायित्व दिया है उत्तराखंड को, उसके लिए तो धन्यवाद उनका बहुत बहुत। और सारे दायित्व जो होते हैं ओलंपिक की तरह, जो जितने भी ओलंपिक में चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें करनी होती है, रहने की व्यवस्था से लेकर के खाने की व्यवस्था से लेकर के खिलाड़ियों के मैच से लेकर के हर चीज़ की खेल की व्यवस्था को, उस भावना को उसी रूप में रखा गया है यहाँ। खिलाड़ियों का भैया शेड्यूल जो है, पहले दिन जो आपका रहेगा फ्री स्टाइल कुश्ती रहेगी पुरुष की, जिसमें रहने की व्यवस्था हमारे भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में हुई है, जिसमें कमरे के साथ साथ सब कुछ वहाँ पे खाने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सुचारू रूप से दूध दही घी का इस्तेमाल करना सब चीज़ का है। उसको पहलवानों की तरह पहलवानों की डाइट रहेगी कि हमारे मुख्यमंत्री साहब इसका उद्घाटन करेंगे। 4 तरीके पहलवान यहाँ पर पहुँचाएंगे, उनका मेडिकल से लेकर के जो चीज़ होनी है वेट कैटेगरी सब का होगा वो सब होगा, उनका शुरू हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे पूजा अर्चना करने के बाद 8 बजे से कुश्ती शुरू हो जाएगी और 3 बजे के बाद से ओपनिंग करने के बाद फाइनल कुश्तियाँ शुरू होने लगेंगी। 28 जगह की जो मान्यता प्राप्त हमारे WFI से, वो वहाँ की टीमें आएंगी। हर एक प्रत्येक स्टेट की टीम से 30 लोगों की टीम होती है, जिसमें 10 महिला और 20 पुरुष की।